हेलो एवरीवन, रेसिपीज़ बाय ऋतुजा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी लगने वाली चावल खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये चावल खीर बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमने इसमें कोई भी कंडेंस मिल्क या फिर मावा वगैरह ऐड नहीं किया है। तो खीर बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1/2 लीटर फुल फैट दूध। दूध कच्चा लिया है, आप बॉईल करके भी ले सकते हैं डायरेक्टली। और फुल क्रीम दूध यूज़ करने से खीर एकदम गाढ़ी होती है और रबड़ीदार बनती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मोटे वाले चावल, तो ये 30 ग्राम के करीब चावल होंगे। मतलब कि ये जो कप है वो 1/4 कप है, उसका भी मैंने हाफ लिया है। अभी चावल आप यहाँ पर कौन से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बासमती। और एक बात कि चावल को हमें धोके नहीं लेना है, इसे हम ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं, चाहे तो आप इसे एक नैपकिन से पोंछ सकते हैं। खीर बनाने के लिए हमें लगेगा देसी घी, फिर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून चीनी ली है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि बादाम, किशमिश और चिरौंजी। आप अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब खीर बनाने के लिए मैंने पैन को गैस पर रख दिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दिया है। घी गर्म होने के बाद थोड़े से जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो रोस्ट करके लेंगे, तो हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे हम रोस्ट कर लेते हैं और फिर एक प्लेट में निकालेंगे। तो ये रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स खीर में थोड़े से क्रंची लगते हैं। अभी ये जो हमने चावल लिए थे वो इसी पैन में ऐड कर रही हूँ और इसे भी हमने थोड़ा सा 2 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने चावलों को बिल्कुल भी वॉश नहीं किया है और बॉईल करके भी नहीं लिया है, ना सुखाने की झंझट है, तो ज़्यादा कलर चेंज ना करे और 2 मिनट तक ही इसे रोस्ट करे। अब इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था साइड में। अब इसको हमने पीस लिया है, तो बारीक सा पीस लेंगे, सूजी की साइज़ होती है उसे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अभी यहाँ पर दूध गर्म करके लेंगे, तो दूध को एक उबाल आने देते हैं, मतलब कि बॉईल करेंगे। तो गैस की फ्लेम आप यहाँ पर हाई रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दूध को बॉईल करके लिया है। आप ऑलरेडी जो बॉईल किया हुआ दूध होता है वो भी ले सकते हैं या फिर कच्चा भी ऐड कर सकते हैं। कच्चा लेने के बाद आपको इस तरह से उबाल के लेना होगा। तो अभी मैंने यहाँ पर जो चावल बारीक करके रखे थे वो ऐड कर दिए हैं। अब इसे पकाना है, तो एटलीस्ट 12 to 15 यानी कि 12 से 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। चावल कुक हो और जो दूध है वो भी रिड्यूस हो, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर एक साथ स्टर करते रहेंगे। और जब चावल पके यानी कि पूरी तरह से कुक हो, तब हम इसमें जो चीनी ली थी वो डालेंगे, साथ ही साथ इलायची पाउडर भी डालेंगे। और अगर आपके पास केसर वगैरह है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अभी आप यहाँ पर दूध की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मतलब कि हमारी खीर ऑलमोस्ट रेडी है। इसे 2 मिनट तक कुक कर लेंगे और फिर सर्व करने के लिए लेंगे। तो ना ही मैंने इसे ज़्यादा पकाया है और ना हमने इसमें कंडेंस मिल्क या फिर मावा वगैरह यूज़ किया है, फिर भी ये बहुत ही गाढ़ी और रबड़ीदार बन गई है। तो चावल की खीर 2-3 तरीक़ों से बनाई जाती है, उसमें से ये बहुत ही इजी मेथड है, क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई फेस्टिवल या फिर कोई प्रोग्राम होता है तो कुकिंग करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगता है, तो उस वक्त आप ये इजी चावल की खीर बना सकते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, जैसे कि पिस्ता और बादाम। तो ये बहुत ही माउथ वाटरिंग और बहुत ही टेस्टी लगने वाली हमारी चावल की खीर रेडी है। आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए, सबको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।